हाय एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। तो हम आज पांच पैरा जंबल्स की प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक पैरा जंबल को जो स्पेसिफिकली आई बी उसको कैसे आप 10 सेकंड में भी कर सकते हो। ऑल दो देखने को तो इतने लेंथी लग रहे हैं कि आपको उसमें 5 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। तो इवेंचुअली आप देखोगे तो 40 सेकंड में क्वेश्चन करना है, तो ये 40 सेकंड में बिल्कुल होने वाले हैं। तो बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दूंगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि आप पहली बार ट्राई कर रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वाले जो पैरा जंबल है ये 2010 के पेपर में आए हो, आईबीएसीए के पेपर में आए हो। तो सॉरी, ध्यान से यहां पे देखोगे तो यहां पे क्या दिया हुआ है, ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस और आपको आखिरी सेंटेंस ये प्री डिफाइंड है, बीच में से जो 4 सेंटेंसेस हैं ये आपको सर्च करने हैं, तो ये बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक मौका देता हूं ट्राई करने का, 1 मिनट मिलेगा, जल्दी से आप इसको ट्राई कीजिए। जो भी आपकी अप्रोच रहेगी फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस अप्रोच से मैं इसको 10 या 20 सेकंड में कर सकता हूं। चलिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप। अब मेरी बारी है बताने की, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले आपको पहली स्टेटमेंट पढ़नी है, देयर आर सम प्लेसेस दैट एक्सपीरियंस हैवी रेन्स थ्रू आउट द ईयर। कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जिनमें सारा साल बारिश होती रहती है। अब क्या करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, सबसे पहले चारों को पढ़ना है। अगर आप चारों को नहीं पढ़ेगा तो आपको कहानी नहीं समझ आएगी कि किसके बारे में बात की जा रही है। ऑल्दो आपको स्टार्टिंग पता चल गई, लेकिन आपको चारों पढ़ने ही पढ़ने हैं, दिस इज मैंडेटरी। ठीक है, फिर जब आप चारों पढ़ लोगे एक बार, उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके साथ जो पेयर बना रहा होगा एक ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जो इसके बाद लिखा जा सकता है, उसको हम बोलते हैं अनब्रेकेबल पेयर। एक ऐसा पेयर है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, वो तभी आएगा अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग है। जैसे मैं यहां पर चारों पढ़ता हूं पहले, ठीक है। सो द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू क्लियर द स्टैग्नेंट वाटर। If water stagnates on the roadside, it leads to spread of infectious diseases. Additionally, measures should be taken to spray disinfectants. In such places, people adapt themselves to moist weather. अब हमने ये चारों पढ़ लिए, ठीक है। पढ़ने नहीं है, सिर्फ आपको मीनिंग भी समझ आना चाहिए, आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझ आना चाहिए। अब आप ध्यान से देखोगे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पी भी सही लग रहा है। कैसे सही लग रहा है, क्योंकि सो द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू क्लियर द स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट मतलब जो खड़ा हो गया पानी। अब उसने पहले सेंटेंस में उसने ये कहा कि कुछ ऐसी प्लेसेज हैं जिनमें सारा साल बारिश होती रहती है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि वहां पे पानी खड़ा होता है। क्या पता वहां पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, क्या पता हो। तो आप यहां से ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि वहां पे पानी भी खड़ा होगा। वो अपना आपका बिलीफ है, अपना आपका ओपिनियन है, इसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिया। तो यहां पे फर्स्ट के बाद आप पी से स्टार्ट नहीं कर सकते, इतनी बात समझ आ गई। अब उसके बाद आप ध्यान से देखो, यहां पे वो किसकी बात कर रहा है, यहां पे सम प्लेसेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सम प्लेसेस की। तो जिस सेंटेंस में उन प्लेसेस के बारे में जिक्र किया गया होगा उस वही तो उसके फॉलोइंग सेंटेंस होगा। तो यहां पे किसी प्लेसेस के बारे में बात की गई, नहीं। यहां पे वाटर की बात कर दी गई, नहीं। एडिशनली सम मेजर्स की बात कर दी गई, इन सच प्लेसेस। तो इसका मतलब यहां पे सच का मतलब क्या है, जो पहले से प्रीवियसली नोन हो, प्रीवियसली मेंशनड हो। तो प्रीवियसली मेंशनड कौन सी प्लेसेस है, ये वाली प्लेसेस है। तो इसका मतलब जो आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, सीक्वेंस एस से। तो एस वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन आ गया। तो आपको 10 सेकंड में नहीं लगे, बात समझ आ गई। अब या तो आप सारा पढ़ते रहो फिर आगे भी मैच करते रहो, कोई फायदा नहीं है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले जो है आपकी इंटेलिजेंस को चेक करना चाहते हैं, आपकी स्मार्ट अप्रोच को चेक करना चाहते हैं, तो आपको बस अनब्रेकेबल पेयर ढूंढना है। सभी क्वेश्चंस में ये रूल अप्लाई होगा, सभी में ही ये लॉजिक जो है अप्लाई होने वाला है। तो आपको ध्यान से देख लेना है, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सेम आपके लिए 1 मिनट है, बी फास्ट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सॉरी,
चलिए आपका टाइम खत्म हुआ, अब मेरी बारी है। एडिक्शन टू अल्कोहलिक ड्रिंक्स अफेक्ट्स द सोशल लाइफ ऑफ पीपल, सोशल लाइफ ऑफ पीपल। जब आप एडिक्टेड हो जाते हो ठीक है ड्रिंकिंग के, तो आपकी सामाजिक जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है, आप यारों दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपनी फैमिली से दूर हो जाते हो ठीक है। तो ग्रेजुअली ड्रिंकिंग बिकम्स अ हैबिट, द पर्सन बिकम्स एन एडिक्ट, वंस इट बिकम्स अ हैबिट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गिव अप, पर्सन बिगेन्स टू ड्रिंक जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो ये चारों सेंटेंसेस दिए। सबसे पहले उसने बहुत एक अब्स्ट्रैक्ट एक जनरल स्टेटमेंट बोल दी कि भाई अगर आप एडिक्टेड हो जाओगे अल्कोहलिक ड्रिंक्स को लेके, तो उसको जो अफेक्ट है वो आपकी किसकी सोशल लाइफ को आपको अफेक्ट कर देगी। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखेंगे कि व्हेन इट बिकम्स अ हैबिट, तो यहां पे इस हैबिट की बात नहीं की जा रही। तो अगर मैं कोई भी रैंडम सेंटेंस उठा लूं, मैंने ये उठा लिया व्हेन इट बिकम्स अ हैबिट इट बिकम्स टू डिफिकल्ट, तो यहां पे अभी हैबिट की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस स्टार्टिंग से नहीं हो सकता। और अगर मैं बात करूं द पर्सन बिकम्स एन एडिक्ट, तो ये सेंटेंस जो है इसके साथ नहीं मैच कर सकता, क्योंकि यहां पे स्पेसिफिक पीपल की बात हो रही है। ठीक है, और यहां पे दी पर्सन लिखा हुआ है। अगर यहां पे दी पर्सन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सेंटेंस यहां से भी नहीं स्टार्ट हो रहा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पे तो ए पर्सन लिखा हुआ है, तो इससे पहले तो ऐसे ही आ जाएगा। चलो इसको मान के देख लेते हैं। अ पर्सन बिगिंस टू ड्रिंक जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। अब आप ध्यान से देखिए कि सबसे ज्यादा जनरल स्टेटमेंट कौन सी है, यही है ना कि एक जो पर्सन है वो पीना स्टार्ट करता है ताकि स्टार्टिंग में उसको वो मजा लेना होता है, उसको एंजॉय करना होता है कि हाँ यार इसका टेस्ट कैसा है। तो सबसे जनरल स्टेटमेंट ये वाली लग रही है, तो हम इसको एक बार यहां पे देख लेते हैं। तो एस के साथ देखो कौन कौन से ऑप्शन है, ये वाला नहीं है, इसको होल्ड कर लो, इसको होल्ड कर लो। अब ये तुम्हारे दोनों ऑप्शन है, इन दोनों में से एक बार ट्राई करो कौन सा। एस के बाद क्या लिखा हुआ, पी। अब देखो पी के मैंने क्या लिखा, ग्रेजुअली ड्रिंकिंग बिकम्स अ हैबिट। एक बार इंसान ने पीना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद वो क्या बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। तो इसका मतलब ये अब एसपी जो है ये एक ऐसा पेयर बन गया जिसको आप तोड़ नहीं सकते, तो इसका मतलब ये आंसर सही। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे चलते नेक्स्ट। सेम आपके लिए, अब मैं 40 सेकंड दूंगा, ट्राई कीजिए। चलिए टाइम्स अप, अब मेरी बारी। ब्रेल, ब्रेल जो होता है ना ये किसी का नाम है वैसे, तो यहाँ पे ब्रेल लॉस्ट हिज आई साइट एक्सीडेंटली एज अ चाइल्ड। ठीक है, तो जब वो बच्चा था तो वो डिफरेंटली एबल्ड हो गया, मतलब वो अपनी आई साइट को लूज कर गया। ठीक है, तो वैसे इसका मतलब होता है कि जो आपने देखा होगा पेपर पे हम रेज्ड टाइप में कुछ लिखते हैं ना, जो जिनकी आई साइट चली जाती है, जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, वो अपनी फिंगर्स के साथ, अपनी मूवीज देखो फिंगर्स के साथ रीड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसको उस चीज को, उस लिखाई को, उस राइटिंग को, रेज्ड टाइप जो होती है उसको ब्रेल कहते हैं। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं सभी की। इन हिज डेज द फ्यू बुक्स दैट वर अवेलेबल फॉर द ब्लाइंड पीपल वर प्रिंटेड इन बिग रेज टाइप, तो ये वही चीज है, ब्रेल उसी को कहते हैं। After that he became a teacher, मतलब किसी चीज के बारे में वो टीचर बनाई तो पॉसिबल ही नहीं है। The letter used were those of the ordinary alphabet, ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रही है, the letters की बात कर दी, तो यहाँ पे letters अभी define नहीं किए गए, तो ये भी starting नहीं हो सकती। Nevertheless he was able to complete his education at a school for the blind in Paris। अब ध्यान से देखोगे ये T लिखा हुआ है, T गलत हो गया, यहाँ पे S आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, हमने कह दिया कि वो बचपन ने उसने अपनी आई साइट खो दी, फिर भी वो क्या बन गया, नेवरदलेस का मतलब क्या होता है, बट। ठीक है, क्या मतलब होता है, बट। एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो वर्ड्स होते हैं, नेवरदलेस हो गया, बट हो गया, दो हो गया, हाउएवर हो गया, तो ये वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इनको कंजंक्शंस बोलते हैं, कनेक्टर्स बोलते हैं। इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम में आज डाल दूंगा, पहले भी डली हुई है, फिर से डाल दूंगा, तो इसको एक बार जरूर करके रह जाइएगा। ठीक है, तो बट ही वॉज एबल टू कंप्लीट हिज एजुकेशन एट अ स्कूल फॉर द ब्लाइंड इन पैरिस, तो हमें समझ आ रहा है कि यार वो बचपन ने आंखें खो दी उसने, उसके बाद फिर भी उसने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो पूरी कर ली एक ऐसे स्कूल में जो ब्लाइंड के लिए ही बना था। तो इसका मतलब आपका सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा, एस से स्टार्ट होगा। एस वाला कौन कौन सा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, या तो ये वाला है या फिर ये वाला। अब एस के साथ या तो आर लग रहा है या इसके साथ क्यू लग रहा है, देखो क्यू आएगा आर आएगा। सबसे पहले मैं इसके साथ यहाँ पे ये बी ट्राई कर लेते हैं। After that he became a teacher। तो यहाँ पे आप देखो पहले उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, फिर वो क्या बन गया, टीचर बन गया। तो एस क्यू जो है ये पेयर बिल्कुल डेफिनेटली सही लग रहा है, फिर भी मैं एक बार दूसरे चेक कर लेता हूँ क्रॉस चेक के लिए। एस आर में क्या लिखा हुआ, द लेटर्स यूज। अब यहाँ पे तो लेटर्स की बात नहीं की गई, तो अगर इसका मतलब यहाँ पे एस आर नहीं हो सकता, तो एस क्यू होगा, तो बी आंसर। क्लियर,
तो आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। सिर्फ एक ही चीज है अनब्रेकेबल पेयर। सबसे पहले एक अब्स्ट्रैक्ट सी स्टेटमेंट ढूंढ लो, सबसे जनरल स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। अगर वो नहीं मिल रही तो इसका मतलब इसके साथ पेयर ढूंढ लो, ठीक है। अगर वो नहीं मिल रहा तो इनमें से कोई ना कोई एक अनब्रेकेबल पेयर ढूंढ लो। तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व अ पैराजंबल, ठीक है। एक और है, सॉरी इसके लिए ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, चलो एक मिनट दे देते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए आपका टाइम खत्म हुआ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू स्ट्रेंथन रीडिंग हैबिट्स अमंग द अर्ली लिटरेट्स एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स एंड इवन एडल्ट्स, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजीज की बात कर रहा है जो रीडिंग हैबिट्स को स्ट्रेंथन करेंगी। अर्ली लिटरेट्स उनको कहते हैं कि जो भी रीड वगैरह नहीं कर रहे लेकिन उनको रीडिंग हैबिट्स की वैल्यू पता है, जो मतलब रीडिंग से पहले उनको रीडिंग की हैबिट्स की वैल्यूज वगैरह पता है कि इसकी क्या वैल्यू है या इस चीज को कैसे करना है, ठीक है। उनकी हैबिट्स को कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, या फिर जो स्कूल ड्रॉप आउट्स जिन्होंने स्कूल बीच में छोड़ दिया, या फिर एडल्ट्स, ठीक है। सबसे पहले ये सारे पढ़ लेते हैं। नॉर्मली सबटाइटल्स फॉर अ फिल्म से इन हिंदी विल बी इन सम अदर लैंग्वेज से इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सबटाइटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे हिंदी फिल्म है तो आपने इंग्लिश फिल्म, हम इंग्लिश फिल्म की बात करते हैं इंडिया में, तो उसके जो सबटाइटल्स होते हैं वो नीचे डिफरेंट मूवी में होते हैं, या सॉरी बात कर लेते हैं हिंदी फिल्म है उसके सब जो सबटाइटल्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं कई बार, तो डिफरेंट मूवी की जो स्पीच है वो डिफरेंट है और जो सबटाइटल्स आ रहे हैं वो डिफरेंट है, बस ये बात कह रहा है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च सर्वे SLS डबल्स एंड इवन ट्रिपल्स। एक बात आपको ध्यान रखनी है यहां पे, अब जब तक मुझे यहां पे एब्रीवेशन नहीं पता, मैंने यहां पे लिख दिया IT, ठीक है। IT की फुल फॉर्म क्या है, आपने बोल दिया भाई इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो मैंने बोल दिया कि मैं तो इसको इनकम टैक्स मान रहा था, तो एब्रीवेशन जो है ना जब तक उसको डिफाइन नहीं किया गया तब तक वो स्टार्टिंग नहीं हो सकती, वो कभी भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। ये आपके एससी के लिए बहुत जरूरी है, डिस्क्रिप्टिव के लिए। अगर आपने स्टार्टिंग में कोई ऐसी एब्रीवेशन लिख दी जिसको आपने डिफाइन नहीं किया, नंबर कट जाएंगे। अगर मैं एग्जामिनर हूंगा तो मैं काटा मार दूंगा, सीधी सी बात, क्योंकि मुझे पता ही नहीं आप किस चीज की बात कर रहे हैं। तो एब्रीवेशन को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब अब यहां पे जो SLS लिखा हुआ है एब्रीवेशन है, ये एब्रीवेशन की यहां पे बात हुई नहीं, तो इसका मतलब क्यों तो स्टार्टिंग हो ही नहीं सकता। अब यहां पे R देख लो, R में भी SLS लिखा हुआ, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। वन ऑफ द नोबल का मतलब सबसे पहले वाली, जैसे नोबल कोरोना वायरस, नोबल एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजीज इन सेम लैंग्वेजेस आर सेम लैंग्वेज सबटाइटल्स। तो यहां पे उसने उसको डिफाइन किया, तो इसका मतलब ये आपका लीडिंग हो सकता है। तो यहां पे इसका मतलब यहां पे या तो पी होगा या फिर एस होगा। पी वाले से देख लेते हैं और एक एस वाले से देख लेते हैं। अब उसने पी से भी दिया हुआ, एस ने भी दिया हुआ। अब एक चीज समझना, वन ऑफ द नोबल स्ट्रेटजीज, तो यहां पे स्ट्रेटजीज की बात कर रहा था ना स्ट्रेंथन करने के लिए, तो स्ट्रेटजी की बात यहां पे कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। पी भी नहीं हो सकता, तो पी वाले आपके डिस्कार्ड कर दो, एस वाले चेक कर लो। अब एस के साथ एक तो पी लिखा हुआ, एस के साथ एक क्यू लिखा हुआ। अब एस के साथ पी देख लेते हैं। वन ऑफ द नोबल इफेक्टिव स्ट्रेटजीज कौन सी है, ये वाली स्ट्रेटजी है विच वॉज इंट्रोड्यूस इन अहमदाबाद में की गई थी। इसके बाद पी देख लो। अब पी में क्या कह रहा है वो, पी कौन से, नॉर्मली सबटाइटल्स फॉर अ फिल्म से इन हिंदी विल बी सम लैंग्वेज, हमने पढ़ लिया। एस के साथ क्यों भी देख लेते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे लिखा वन ऑफ द स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू द रिसर्च सर्वे SLS डबल्स एंड ट्रिपल्स द रोल ऑफ रीडिंग इंप्रूवमेंट। तो इसका मतलब एस के साथ जो है हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर दिया और यहाँ पे SLS की ही बात कर दी। क्या यहाँ पे उसने SLS की बात की, नहीं, तो इसका मतलब इसका पेयर है एस क्यू वाला बनेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी, पता चल गया। आई होप आपको क्लियर हो गया। आप बाकी सारा पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी सारा पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर पढ़ना है आपको, आपको यार इंग्लिश में मास्टरी नहीं करनी, यहाँ पे पेपर पास करना है, सीधी सी बात, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए 40 सेकंड देंगे, छोटा सा ये। चलिए योर टाइम सेट नाउ।
चलिए आपका टाइम खत्म हुआ, मेरा टाइम स्टार्ट हुआ। डिसअपॉइंटमेंट डजेंट इक्वल टू फेल्योर, तो वो कह रहा है कि जो डिसअपॉइंटमेंट होता है वो फेल्योर नहीं होता, ठीक है, और ये आपको ध्यान होगा, ठीक है। चलो ये ग्रामर की बात बाद में करेंगे, पढ़ लीजिए। व्हेन यू फील डिसअपॉइंटेड यू कैन इधर सीक कंफर्ट और सीक अ सोल्यूशन। तो देखो वहां पे उसने डिसअपॉइंटमेंट की बात की थी, यहां पे वो डिसअपॉइंटेड की बात कर रहा है, लेकिन हम सारे पढ़ेंगे, पहले पे जज नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप बैक, ठीक है, पीछे हट जाओ, स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड ट्राई टू ऑब्टेन सम कंफर्ट, बट डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू स्टेइंग इन कंफर्टेबल, ठीक है। सब पहला स्टेप क्या है कि पीछे हट जाओ जो भी तुम कर रहे हो, और ऑब्टेन करो सम कंफर्ट जोन को, लेकिन उसमें ही मत फंस जाना। द बेस्ट अप्रोच इंक्लूड सम ऑफ बोथ। तो यहां पे देखो, यहां पे उसने बोल दिया सम ऑफ बोथ, तो यहां पे उसने सम ऑफ बोथ बोल दिया, तो यहां पे बोथ, यहां पे तो किसी बोथ की बात नहीं कर रहा, ठीक है, और अप्रोच की बात भी नहीं कर रहा, तो बेस्ट अप्रोच की बात नहीं कर रहा, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता, सीधी सी बात ही है। उसके बाद सीन इन अ पॉजिटिव लाइट इट कैन स्टिमुलेट लर्निंग, तो यहां पे समथिंग कैन स्टिमुलेट लर्निंग, तो इट यहां पे कोई, यहां पे डिसअपॉइंट लर्निंग स्टिमुलेट करेगा या फेलियर लर्निंग करेगा, नहीं उसकी बात भी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यहां पे किसी अप्रोच वगैरह की बात हो रही, तो ऐसे से भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती, या तो क्यू से होगी या फिर किसी होगी पी से होगी। हमें पता है कि यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट की बात चल रही थी, और यहाँ पे उसने सबसे पहले बोल दिया डिसअपॉइंट। जब तुम डिसअपॉइंटेड फील करते हो, या तो तुम्हें कंफर्ट चाहिए होता है, या फिर तुम उसको सोल्यूशन को ढूंढते हो, तो इसका मतलब जो सबसे बेस्ट स्टार्टिंग है वो कौन सी है, पी। तो इसका मतलब आपका पी वाला स्टार्टिंग होगा, बाकी सारे गलत है, चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, पी के बाद आर आना चाहिए। तो यहाँ पे पी के बाद आर देखो, द बेस्ट अप्रोच इंक्लूड सम ऑफ बोथ, तो किसी दो चीजों की बात हो रही है, क्या उसने दो चीजें मेंशन की है, बिल्कुल की है। कौन कौन सी चीजें, या तो तुम कंफर्ट ढूंढोगे या फिर तुम सोल्यूशन ढूंढोगे, तो ये बेस्ट अप्रोच है, ठीक है, पता चल गया कैसे करना है। आई होप आपको ये फायदा देगा, और अगर आप ऐसे ही और प्रैक्टिस वगैरह क्वेश्चन वगैरह चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके बताना, और जितने आपके सही हुए प्लीज एक बार वो कमेंट करके बताना, मुझे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स की तैयारी जो है इस चीज को लेकर कितनी है, पैरा एग्जाम्पल उनको कितना आता है। जितने भी आपके मार्क्स बने, 4 बने 5 बने 2 बने 3 बने, प्लीज डोंट बी अशेम्ड ऑफ इट, ठीक है। तो फिर मैं वैसे ही आगे कोई सेशन वगैरह प्लान करूंगा जिसमें हम ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, मैराथन वगैरह करेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपके जो नंबर्स हैं या फिर कितने स्टूडेंट्स इस चीज को देख रहे हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर इस ऐप को डाउनलोड करके हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, दिस इज प्यू जनरल साइनिंग ऑफ, बाय।